हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि फाइव पिन जो होता है, ये फाइव तार वाला जो पिन होता है, ठीक है, इसका कनेक्शन कैसे करें। अक्सर आप देखते होंगे कि चार ही पॉइंट आपको दिए जाते हैं पीसीबी पे, ठीक है, जिसमें एक लेफ्ट स्पीकर का होता है, ठीक है, और एक माइक का होता है, और एक राइट का होता है, और एक ग्राउंड होता है जो लेफ्ट राइट और माइक तीनों का होता है ग्राउंड, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा है ग्राउंड जो है ये तीनों का होता है, लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर और ग्राउंड का, और माइक का भी, लेफ्ट स्पीकर ग्राउंड, माइक ग्राउंड और राइट स्पीकर ग्राउंड तीनों इसी ग्राउंड पे लगते हैं, ठीक है। बाकी माइक का यहाँ, लेफ्ट का एक पिन यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, लेकिन चार ही हो रहा है जोड़ने पर। लेकिन आपके पास यहाँ पर कितने वायर होते हैं? पाँच, ठीक है। तब आपको कैसे फाइंड करना है कि अब मैं पाँचों को कहाँ जोड़ूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पाँच वाले में, ठीक है, अगर पाँच होगा चाहे छः होगा, तो कितना भी होगा, तीन तो आपको होगा, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए, एक माइक के लिए, बाकी जितना एक्स्ट्रा होगा सब ग्राउंड होता है, ठीक है। अब आपको फाइंड कैसे करना है कौन कौन ग्राउंड है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये पिन जो होता है, ठीक है, ये जो है ये माइक का होता है और ये ग्राउंड होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला ग्राउंड नहीं होता है, फर्स्ट वाला माइक का होता है, ये ग्राउंड होता है और ये लेफ्ट और ये राइट, ये दोनों आप लेफ्ट राइट किसी कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड हमेशा यही होगा और माइक हमेशा यही होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ आपको, पहले यहाँ स्पीकर के लिए, राइट स्पीकर या लेफ्ट स्पीकर किसी के लिए करिए, देखिए एक ये हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप स्पीकर पे दे देंगे, दूसरा देखिए राइट हो गया, और लेफ्ट देखिए यहाँ पे भी आपको स्पीकर का देना है, ठीक है। अब ये आया कौन सा ग्राउंड, ठीक है, तो ग्राउंड देखिए यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, यानी एक आपका ये ग्राउंड हुआ और एक ये ग्राउंड हुआ, यानी ये दोनों ग्राउंड हो गए, ठीक है। अब ये रहा और ये किसका हो गया, ये माइक का हो गया, ठीक है। तो इसी अनुसार आपको कनेक्शन करना है, ठीक है, ये आपको माइक के लिए कर देना है और ये दोनों आपको ग्राउंड में कर देना है, ठीक है, और ये एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए, ठीक है। तो आपको मैं कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे माइक है, ठीक है, तो ये आपका जो है माइक हो गया। देखना है आपको कि ये दो पिन जो है आपस में सोल्डिंग करने के दौरान टच ना हो, इसलिए आप ट्विजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का दोनों ग्राउंड है, ठीक है, तो अगर संभव है तो आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर दे सकते हैं, या फिर कोई भी एक जो पतला दिखे उसको काट के हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये राइट स्पीकर अक्सर क्या होता है, रेड कलर का जो होता है वही अक्सर राइट वाले का हो जाता है, मतलब रेड कलर ये वाला पिन जो है, ये वाला अक्सर राइट कलर, यानी सेकेंड नंबर, पहला लेफ्ट दूसरा राइट। तो वैसे वो अगर आप उल्टा भी लगाते हैं तो हर जगह आपको दिक्कत नहीं होगा, गेमिंग के समय थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो मैंने फ़ोन से चेक कर लिया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रहा है, फिर भी मैं एक बार, आप चाहूँगा कि मैं मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा दूँ। तो एक प्रोब को आप ग्राउंड पे रख दीजिए, ठीक है, दूसरे पे देखिए लगभग 35 ओम, ठीक है, ये देखिए पहला पे भी लगभग 35 ओम, दूसरा पे भी, ठीक है, यानी आपका दोनों स्पीकर का सही है। और देखिए यहाँ एक साइड से नहीं बताएगा, एक साइड से थोड़ा सा ज़्यादा रीडिंग आएगी, समझ जाएगा कि आपका माइक भी सही है। तो ये पूरे अच्छे से हो चुका है कनेक्शन, बहुत दोस्तों का डिमांड था कि पांच तार वाले का कनेक्शन कैसे। अक्सर आप ओरिजिनल केबल में देखेंगे कि पाँच तार में दिया जाता है, ठीक है ना, जबकि चार यहाँ पे है, लेकिन अंदर जाते जाते पाँच दे दिया जाता है, दो ग्राउंड होता है, ठीक है। और अगर आप लोकल की बात करेंगे, कोई भी लोकल उठा लीजिए, उसमें एकदम चार ही होता है, ठीक है, और देखिए एक दो तीन चार होता है, चार तो, और भी एकदम पतला पतला बेजान सा तार होता है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया हो। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के ज़रूरी वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।